नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अशोका द एग्जाम गुरु आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, इस समय हम एक क्लास में एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप मान के चल सकते हैं कि आपकी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न इस क्लास से देखने को मिल सकते हैं। सभी के सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आप मान के चल सकते हैं कि इस ही क्लास से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और खास बात यह है कि एक बेहतरीन तरीके से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक तरह के प्रश्न को कवर करते हुए क्लास को जाकर एंड करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। लाभ हानि, आप कॉपी पेन फटाफट से उठा लीजिए, साथ साथ में आपको भी प्रश्नों को हल करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लाभ हानि की, आखिरकार लाभ क्या है और हानि क्या है। तो बहुत आसान सी बात, आप सभी साथी जानते हैं कि कोई वस्तु अगर कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ होता है, और अगर अधिक मूल्य पर खरीदकर कम मूल्य पर बेची जाती है तो वहां पर क्या होती है, हानि होती है। अब यहां पर कुछ टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ पदों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ शब्द आपने सुने होंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आखिरकार क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें जब तक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में पता नहीं होगा, हम लाभ हानि को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्रय मूल्य की। तो क्रय मूल्य क्या होता है, बहुत आसान सी बात है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है। और कई बार हम इसको लागत मूल्य भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य दोनों का मतलब एक ही होता है। बस क्रय मूल्य का मतलब ये होता है, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य, और लागत मूल्य का मतलब किसी वस्तु को तैयार करने में जितनी लागत आती है, जितना खर्चा आता है, वो लागत मूल्य कहलाता है, राइट। तो दोनों को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से, यानी इसको हम कहते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। बहुत आसान सी बात आप समझ पा रहे होंगे, यानी जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, या फिर जिस दाम पर कोई वस्तु या जितनी लागत आती है वस्तु को तैयार करने में, वो कहलाता है लागत मूल्य, जिसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, बात आती है विक्रय मूल्य की, आखिरकार विक्रय मूल्य होता क्या है। तो आपको बता दूं, विक्रय मूल्य बहुत आसान सी बात, जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी सेलिंग प्राइस। तो इसको हम एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत आसान सी बात, यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई आपने क्या किया, एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा, तो प्यारे साथियों ये कहलाएगा आपका सीपी, और आपने क्या किया, उस वस्तु को 1200 रुपए में बेच दिया, तो ये कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब बात आती है लाभ। लाभ को प्यारे साथियों कहते हैं प्रॉफिट, इसलिए हम इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और हानि को कहते हैं लॉस, इसलिए इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत आसान सी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं कहूं कि लाभ कब होगा, कि आप बताओ सर कि प्रॉफिट कब होगा, तो आप प्रॉफिट कब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, 1000 रुपए में खरीदा और 1200 रुपए में बेचा, जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से, तो वहां पर होता है प्रॉफिट। और लॉस कब होता है, लॉस में क्रय मूल्य ज्यादा होता है किससे, विक्रय मूल्य से। बहुत आसान सी बात, जैसे अगर मैं कहूं, आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहूं कि भाई आपने किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा और उस वस्तु को 700 रुपए में बेचा, तो ये तो जो केस बन रहा है, ये बन रहा है प्रॉफिट का, और ये केस बन रहा है आपका लॉस का। बात समझने की कोशिश करेंगे, 1000 रुपए में खरीदा, 1200 रुपए में बेचा, तो आप यहां पर बहुत आसानी से कह सकते हो कि भाई प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपए का। अगर मैं कहूं 800 रुपए में खरीदा, 700 रुपए में बेचा, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि भाई यहां पर हानि हो रही है 100 रुपए की। बात क्लियर है? तो यहां पर आपका विक्रय मूल्य कम है किससे,
क्रय मूल्य से यानी सीपी से, एसपी कम है यहां पर तो वही मैं लिख पा रहा हूं, यहां पर एसपी कम है किससे, सीपी से, यहां एसपी ज्यादा है किससे, सीपी से, ठीक है। तो यहां पर बात समझ में आ रही होगी, यहां तक बात क्लियर है। अब बात यह कि प्रॉफिट निकालते कैसे करके हैं, तो प्रॉफिट कैसे निकाला, अगर आप ध्यान से समझोगे, आपने 1000 रुपए में खरीदा, 1200 रुपए में बेच दिया, तो आप क्या किया, आपका प्रॉफिट कितना आया 200 का, कैसे निकाला होगा, आपने 1200 में से 1000 रुपए घटाया होगा। यानी कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी करते हैं। अगर लॉस की बात करेंगे तो लॉस कैसे निकाला, आपने 800 में से 700 घटाया होगा। बात समझने की कोशिश करेंगे, 800 में से 700 घटाया होगा, यानी यहां पर आप कह सकते हैं सीपी माइनस एसपी। बहुत प्यारी सी बात, यहां तक क्लियर। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं कहूं कि परसेंट प्रॉफिट बताओ बच्चों, तो परसेंट प्रॉफिट हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जिसको निकालना होता है प्रतिशत में उसको ऊपर रखेंगे, तुलना किससे होगी, क्रय मूल्य से, और परसेंट पूछा गया है, मल्टीप्लाई होगी 100 से। अगर परसेंट लॉस निकालना होगा तो लॉस निकालेंगे, अपॉन में आएगा सीपी, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से। यहां तक बताओ, हर एक बात सबको क्लियर, सभी महारथियों के लिए बेहतरीन तरीके से यहां तक हर एक बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ, लेकिन सबसे पहले, उससे पहले मैं यहां पर एक बात समझा दूं कि भाई अपॉन में यहां पर भी सीपी आया, यहां पर भी सीपी आया, आखिरकार लाभ और हानि निकाल रहे हैं प्रतिशत में, तो सीपी ही क्यों नीचे आ रहा। तो यहां पर समझा दूं, मैंने आपको परसेंटेज में बताया भी है कि भाई जिस वैल्यू से कंपेयर होता है, जिस वैल्यू से कंपैरिजन यानी कि तुलना की जाती है, वही अपॉन में आता है, और जिस वैल्यू को हमें प्रतिशत में निकालना होता है ना, उसको हम ऊपर रखते हैं। तो जैसे कि परसेंट प्रॉफिट निकालना है, परसेंट में प्रॉफिट ऊपर आया, और लॉस निकालना है, परसेंट में आपका लॉस ऊपर आया। सीपी से कंपेयर क्यों हो रही है, आप समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप देखें कि भाई 1000 से ज्यादा में आपने बेचा तो प्रॉफिट हुआ, यानी कंपेयर किससे करना पड़ रहा है, 1000 से। 1000 रुपए से ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, 1000 से कम में बेचोगे तो हानि होगी। तो तुलना दोनों ही बार, चाहे लाभ की बात करें चाहे हानि की बात करें, आपका क्रय मूल्य से ही हो रही है। जैसे अगर आपने 900 रुपए में बेचोगे यहां पर, तो यहां 900 आ जाएगा, 900 में बेचोगे तब भी तुलना 1000 से ही होगी, कि 1000 से कितने रुपए कम में बेचा। अगर 1000 से कम में बेचोगे तो हानि, 1000 से अधिक में बेचोगे तो लाभ। दोनों ही कंडीशन में 1000 रुपए से तुलना हुई, यानी कि क्रय मूल्य से तुलना हुई। बात समझने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से। अब हम प्यारे साथियों बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे सवालों की तरफ। आइए मेरे प्यारे साथी, सवालों की तरफ चल रहे हैं। ध्यान रहे कि आप सभी महारथियों को भी हमारे साथ मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके जवाब, आपके आंसर लगातार कमेंट्स में आते रहने चाहिए। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट्स भी आपको प्रॉपर तरीके से बनाते हुए चलना है। एक बेहतरीन क्लास है, बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए सबसे पहले ये रहा पहला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं बहुत आसान सा सवाल लिया है मैंने। सवाल क्या है, मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी। मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी और उसे 3,48,000 रुपए में बेच दिया। 3,48,000 रुपए में बेच दिया, उस कार पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। फटाफट से सभी महारथी जल्दी से आंसर देंगे, बहुत ही शानदार, बहुत आसान सा सवाल है। तो यहां पर 2,50,000 रुपए में खरीदा है, 3,48,000 रुपए में बेच दिया, तो आप खुद समझ पा रहे हैं कि भाई यहां पर लाभ हो रहा होगा, और लाभ कितना हो रहा होगा, कैसे करके निकालोगे। भाई ये हमारा 2,50,000 रुपए में खरीदा, 3,48,000 रुपए में बेचा गया है, यानी ज्यादा में बेचा गया है। इसको कह सकते हो ये क्रय मूल है और ये क्या है, विक्रय मूल। तो भाई ज्यादा में बेचा गया तो लाभ हो रहा है, तो लाभ कैसे निकालोगे, इससे घटा दोगे इसको, तो देखो लास्ट में आ जाएंगे 3 जीरो, इसमें कोई शक नहीं है, 3 जीरो से 3 जीरो आ जाएंगे, 8 में से 0 जाएगा, 8 बच जाएगा, फिर आप देखेंगे 14 में से 5 जाएगा, 9, यानी 98,000 हो जाएगा प्रॉफिट आपका।
98,000 का प्रॉफिट, लेकिन आपको निकालना किसमें है, परसेंट में। तो मैंने कहा कि परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी और मल्टीप्लाई कितना, 100। तो प्यारे भारतीयों 98,000 का लाभ हो रहा है और कितने पर हो रहा है, यानी आप कह सकते हो 2,50,000 रुपए पर हो रहा है, और प्रतिशत का मतलब मल्टीप्लाई में 100। तो प्यारे साथियों 20 से 20 कैंसिल, बहुत बढ़िया, ये 20 कैंसिल। तो यहाँ पर सीधे आप भाग कर सकते हो, 5 से भाग कर लीजिए, 5×5=25, 5×1=5, 4×4=48, 5×5=45, 5×6=36। अब 5 से फिर से भाग कर लेंगे, 5×3 हो जाएगा 15, 4 बचेगा और 46 हो जाएगा, तो 5×5=45, 5×2=10, 39.2% का लाभ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया, लाजवाब। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेहद आसान सा सवाल था, इसमें कोई भी समस्या आप सभी साथियों के लिए महसूस नहीं हो रही होगी। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बच्चों कर पाओगे इस सवाल को, जैसे बोला गया है वैसे आपको लिख लेना है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, तो भाई बहुत आसान है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का यानी एसपी का 3/2 है। समझने की कोशिश करेंगे, क्रय मूल्य किसका, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा, और 3/2 है। बहुत आसान, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, मतलब विक्रय मूल्य का 3/2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। बहुत आसान सी बात, इस तरह समझ में आ रही होगी। एक काम कर लेते हैं, सीपी अपॉन क्या एसपी बनाया जा सकता है, बिल्कुल बना जा सकता है। एसपी को इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा और 3/2 कर लेंगे। प्यारे साथियों यहां पर आप देखो, कंपेयर कर लो सीधे, भाई सीपी 3 है, एसपी 2 है, यानी कि आप कह सकते हो बहुत आसान तरीके से, आपने 3 में खरीदा है और 2 में बेच दिया है, यानी कि यहां पर आपको हानि दिखाई दे रही है, और हानि कितने की, 3 में खरीदा 2 में बेचा, 1 की हानि दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपने निकालना किस में है, प्रतिशत में। तो मैंने कहा जो भी वैल्यू परसेंटेज में निकालनी होती है उसको ऊपर रखेंगे, और तुलना होगी क्रय मूल्य से अपॉन में कितना, 100। तो लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, क्रय मूल्य कितना आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, 3, और मल्टीप्लाई में कितना, 100। बहुत ही बढ़िया, तो 3 से भाग करेंगे, या आपका 100/3, यानी ये परसेंट लॉस हो रहा है, या फिर 33 सही 1/3% का लॉस हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, तो इसमें तो प्यारे साथियों आपका दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है, 100/3% हानि। बताओ समझ में आया, बहुत आसान सा सवाल था कि क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य का 3/2 था, तो हमने एसपी इधर आ जाएगा अपॉन में, 3/2 रह जाएगा, खरीदा है 3 में, बेचा है 2 में, 1 की हानि, 3 में खरीद कर 2 में बेच दिया, 1 की हानि हो रही है, निकालना है परसेंट में, तो 1 की हानि अपॉन 3 आ जाएगा क्रय मूल्य और गुणे 100। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ फटाफट से, रफ्तार में हम लोग प्रश्न को करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बहुत सुंदर क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे साथियों है क्या, किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसे सवाल जिनमें आपको विक्रय मूल्य यानी एसपी गिवन होता है, एसपी दिया होता है, साथ में आपको परसेंट प्रॉफिट दिया होता है, या फिर परसेंट लॉस देते हैं और पूछते क्या हैं आपसे, क्रय मूल्य पूछते हैं, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, दुकानदार को एक वस्तु 390 रुपये में बेचा, ठीक है, दुकानदार ने क्या किया, एक वस्तु को 390 रुपये में बेच दिया, और 390 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट। बहुत आसान सी बात समझने की है कि आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों ही क्रय मूल्य पर बनते हैं। और बहुत आसान सी बात है, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो एसपी और सीपी ऐसे लिख लिया मैंने, और एसपी हमारे पास बच्चों कितना है, 390 है, इस समझने की कोशिश करेंगे।
देखिए हमारे पास क्रय मूल्य पता नहीं है, मान लेते हैं क्रय मूल्य हम x। अब एक बात समझेंगे, 20% लाभ का मतलब बहुत आसान सी बात है कि 20% मूल्य आपने बढ़ाया है और 20% मूल्य आपने क्रय मूल्य में बढ़ाया है। ऐसे समझ सकते हैं जितना भी आपके पास क्रय मूल्य था उसको 20% ज़्यादा कर दिया, 20% बढ़ा दिया, वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। आप बहुत आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे, जो भी हमारे पास क्रय मूल्य था, मान लीजिए क्रय मूल्य हमारे पास x था और क्रय मूल्य हमेशा हम 100% मान के चलेंगे, बहुत आसान सी बात, क्रय मूल्य 100% मान के चलेंगे। 100% तो पहले क्रय मूल्य था और 20% लाभ पर बेचा है आपने, यानी 120% में बेचा होगा। 120% और अपॉन में, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, फिर ये क्या बन जाएगा? आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा, बहुत आसान से। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आप सीपी लेफ्ट में रखें और एसपी राइट में रखें, एसपी के नीचे एसपी लिख दें और जो हमारे पास क्रय मूल्य नहीं पता है, चाहे सीपी लिख लो, चाहे एक्स, चाहे सीपी भी यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे करके, और इस पर आपका 20% लाभ का मतलब 120%। अगर 20% हानि होता तो यहाँ पर 80% लिखते, 30% हानि होता तो यहाँ 70% लिखते, 10% लाभ होता तो यहाँ 110% लिखते। बात क्लियर है? अभी एक दो सवाल और करेंगे, ये एक तो कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो 3 × 12 बहुत बढ़िया, 3 × 3 ये आपका 130 हो जाएगा, ओके। 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, 2 से फिर से कैंसिल करो 65 आ जाएगा, और 65 की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप कहोगे 5 × 25 5 × 6 = 30 और 2 = 32, तो ₹325 इसका आंसर हो जाएगा, ₹325 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए एक काम करते हैं, इस तरह का एक और सवाल लेते हैं, आपको और समझने में आसानी रहेगी। मान लेते हैं कोई प्रश्न है, एग्जाम्पल है, मैंने बोला कि एक वस्तु को, फटाफट से आप लोग आंसर बताएंगे भाई, एक वस्तु को ₹480 में बेचने पर, ठीक है, क्वेश्चन में लिख ऐसी बोल रहा हूँ, एक वस्तु को ₹480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, ये ₹480 में बेचा जाता है, 20% की हानि होती है, तो आपको क्रय मूल्य बताना है। तो फटाफट से क्रय मूल्य और एसपी यानी सीपी और एसपी ऐसे लिख लो, विक्रय मूल्य हमें दे रखा है कितना, 480 दे रखा है, ये बराबर होगा, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है और 20% लॉस का मतलब 80% होगा अपॉन में 100, तो 80 × 4 हो जाएगा 480, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 100, हाँ 8 × 48 सॉरी 6 आ जाएगा, 80 से भाग करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 8 × 48 6 × 100 से तो 600 आ जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। बताओ समझ में आ रहा, ध्यान रहेगा, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरह का प्रश्न पिछली बार आपकी परीक्षा में पूछा गया था और मैं बता दूं कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का पूछा जाना चाहिए और पूछा गया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर एक सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी सवाल डिस्कस कर रहे हैं सबके सब चुने हुए बेहतरीन सवाल हैं। आप मान के चल सकते हैं कि हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में रखा हुआ मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, एक व्यक्ति का विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है, वास्तविक प्रतिशत लाभ पूछिए। समझने की कोशिश करेंगे, पहले मैं एक काम करता हूँ, सीपी लिख लेता हूँ और एसपी लिख लेता हूँ और प्रॉफिट लिख लेता हूँ, अब आगे बढ़ेंगे। प्यारे साथी, उन्होंने बोला है कि विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट होता है, राइट, विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट होता है, वास्तविक प्रॉफिट ज्ञात करना है प्रतिशत में। आपको समझने की आवश्यकता है कि वास्तविक लाभ या फिर वास्तविक हानि किस पर निकलती है बच्चों, आपका क्रय मूल्य पर निकलती है साथियों। बहुत आसान सी बात कि अगर हमें लाभ और हानि निकालते हैं किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लागत मूल्य पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं, बहुत आसान सी बात समझ पा रहे होंगे। इन्होंने लेकिन सवाल में किया क्या है, इन्होंने कहा विक्रय मूल्य पर लाभ
20% है, यानी इन्होंने लाभ गलत निकाला है। कहने का मतलब है जितने में खरीद रहे थे ना उस पर ही इन्होंने लाभ निकालने की कोशिश करी है, जितने में बेच रहे थे उसी पर लाभ निकाला है। बात समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम क्रय मूल्य को यहाँ पर 100 मान सकते थे। देखो अब सवाल में ना ही क्रय मूल्य पता है ना ही विक्रय मूल्य पता है, तो इस कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। और पता है कि प्रतिशत वाले टॉपिक होते हैं उनमें 100 मानने से ना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो हमें ध्यान रहे कि हम कैसे करके निकालेंगे कि भाई वैसे तो हमें क्रय मूल्य को 100 मानना चाहिए, लेकिन क्रय मूल्य को हम 100 नहीं मान रहे क्योंकि इन्होंने जो आधार माना है प्रश्न का वो विक्रय मूल्य माना है, विक्रय मूल्य पर लाभ निकाला है, इसलिए हम विक्रय मूल्य को 100 मान रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे, अगर क्रय मूल्य पर लाभ निकाला होता इन्होंने तो क्रय मूल्य को 100 मानना पड़ता, निकाला किस पर है विक्रय मूल्य पर, इसलिए विक्रय मूल्य को 100 मान ले रहे हैं। अब 100 का 200 पर 20% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितने का होगा 20 का। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेच रहे थे 100 पे और 100 पर 20% का प्रॉफिट यानी 20 का प्रॉफिट। अब आपको समझना होगा कि आप बेच कितने में रहे हैं, बेच रहे हैं 100 पर, प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए का, 100 रुपए में बेच रहे हैं 20 का लाभ हो रहा है, कितने में खरीदा होगा। आप समझ पा रहे हैं नहीं, आप कितने में खरीदा होगा फटाफट से आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई अगर आपने 100 में बेचा था और 20 का लाभ कमाया है तो आप आसानी से कह सकते हो कि आपने उसे 80 में खरीदा होगा। एम आई राइट, यस और नो? बहुत बढ़िया, आपने 80 में खरीदा होगा। तो प्यारे से महारथियों, अगर आपने 80 में खरीदा है तो भाई परसेंट प्रॉफिट निकालना है वास्तविक, तो वास्तविक प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है 20 का, प्रॉफिट अगर 20 का है किस पर, वास्तविक तो 80 पर निकलेगा क्योंकि क्रय मूल्य पर निकलेगा और गुणे कितना 100, तो 20 चौक 80, 4 से आपने उड़ा दिया इसको, 4 दूनी 8 यानी कि 25% का ये प्रॉफिट हो जाएगा, वास्तविक प्रॉफिट। बताओ समझ आया या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मज़ा आ गया भाई। बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं? फिर समझो, 100 में बेच रहे थे, 20 का लाभ हुआ, तो आपने बेहद आसान सी बात 80 में खरीदा होगा। आपने प्रॉफिट तो 20 का ही है, 20 का, लेकिन इस बार वास्तविक निकालना है, वास्तविक निकलता है क्रय मूल्य पर और क्रय मूल्य कितना है 80 और गुणे 100, तो 20 चौक 80, 4 से काटा 25% हो जाएगा। एक और बेहतरीन सवाल इसी तरह का लेते हैं, आप फटाफट से अगले प्रश्न का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच भी इसी तरह का एक बेहतरीन सवाल है, बस इसमें क्या, यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर हानि 20% होती है तो आपको बताना है उसके हानि का प्रतिशत क्या होगा। जल्दी बताओ फटाफट से, सबके जवाब कमेंट सेक्शन में जोरदार तरीके से आने चाहिए। सवाल सेम है, बस अंतर है वो लाभ का था, ये हानि का है। प्रश्न नंबर पाँच क्या है कि भाई मैं अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ऐसे करके लिखूं, यहाँ पे लॉस आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है भाई मेरे। अगर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है तो फिर से विक्रय मूल्य पर हानि निकाली है, तो विक्रय मूल्य मान ले रहे हैं 100, यानी 100 में बेच रहे थे, 100 में बेचा, 20 की हानि, यानी हानि कितने की होगी 100 पर, 20% निकालेंगे 20। अब समझना, यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर फिर से कहो कि भाई 100 में बेच रहे हैं 20 का लॉस यानी 80 कर दो, समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे चीज़ों को। जितना ज़्यादा समझ के पढ़ेंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आप इस टॉपिक को समझ के कर पाएंगे। बात क्लियर है? आपने 100 में बेचा, 20 की हानि हुई, 100 में आपने कोई वस्तु, खुद के ऊपर लागू करके देखिए, आपने क्या किया, कोई वस्तु 100 रुपये में बेची, कोई वस्तु 100 रुपये में बेची, आपको हानि हुई 20 रुपए की, तो आपने 80 में खरीदा होगा या 120 में, जल्दी बताओ फटाफट से। आपने 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचा, आपका 20 रुपए का नुकसान हो गया, 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचा 20 रुपए का नुकसान हो गया, इसका मतलब आप कह पा रहे हैं कि आपने भाई इसको 120 रुपए में खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य मिल गया। तो परसेंट लॉस कैसे निकालोगे, लॉस हो रहा है 20 का, कितने पर हो रहा है, आप कहेंगे साथियों 120 पर हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से 20 छंग हो जाता है 120, 2 × 3 = 6 और 2 × 50 = 100, यहाँ पे 3 से 50 को भाग करोगे तो 16 सही, 2/3%, बेहतरीन तरीके से इसका आंसर टिक कर सकते हैं। बताओ
यहाँ तक क्लियर? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो रट्टा नहीं मारना, चीज़ों को समझना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है, बहुत बढ़िया, ये समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे फटाफट, बहुत बढ़िया। अगर मज़ा आ रहा है ना तो बेहतरीन तरीके से लाइक ठोको सब लोग, और हाँ अपने दोस्तों को फटाफट से एक बार शेयर कर दो अगर शेयर नहीं किया है तो। आ जाओ फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 एक भी एक बेहतरीन सवाल है, यूपी टेट की बात करें तो फेवरेट सवाल है यूपी टेट की, या हम कहें किसी भी एग्जाम की बात करें, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है तो इस तरह का सवाल ना पूछा गया हो। सबसे ज़्यादा अगर लाभ हानि में सवाल पूछे गए होंगे तो इसी तरह के सवाल पूछे गए होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बहुत आसान सवाल है। क्या बोला गया? 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्या है? 8 पेन हैं, उनका लागत मूल्य या क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे प्रतिशत लाभ या हानि पूछी गई है। प्यारे भारतीयों, इस तरह को सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जैसा सवाल में बोला गया है वैसा आप लिखते चले जाओ। कैसे करके? 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहे हैं 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत बढ़िया। 8 का मतलब होता है गुणा, 8 पेन का गुणा, 8 पेन का क्रय मूल्य, गुणा लगा दिया बीच में, का मतलब गुणा, 6 का विक्रय मूल्य, 6 का विक्रय मूल्य, 6 का विक्रय मूल्य का मतलब का मतलब गुणा, बात क्लियर, बराबर है, ठीक है, बराबर का साइन लगा दिया बीच में, बहुत बढ़िया। अब देखो प्यारे साथियों, चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी 4 × CP = 3 × SP, बहुत बढ़िया। प्यारे साथियों, CP को ऐसी रखो, अपॉन में ये इधर लाओगे ना तो ये अपॉन में आ जाएगा, और उधर देखो कितना बचा हुआ है, 3, उधर 3 है, ये 4 उधर ले जाओगे तो अपॉन में आ जाएगा। बात समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझ के देखेंगे, CP और SP ऐसे करके लिख लो, CP और SP ऐसे करके लिख लोगे। CP के जो पास में है वो कितना है? 4, ये कहलाएगा आपका SP, ये हो जाएगा SP, बात क्लियर। और जो SP के पास लिखा है ना वो कहलाएगा CP, यानी कि ये कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा, बात क्लियर, बहुत बढ़िया। समझने की कोशिश करेंगे कि भैया SP की जो पास है ना, SP का पड़ोसी है CP और CP का पड़ोसी भी है SP, तो अब देखो 3 में खरीदा 4 में बेचा, यहाँ पर भी देखो 3 में खरीदा है और 4 में बेचा है, ठीक है, चाहे ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, जो भी आपको पसंद हो, बस सवाल को सही करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो 3 में खरीद कर 4 में बेचा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट 1 का हुआ, 3 में खरीदा 4 में बेचा 1 का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है? 3 पर, और परसेंट वैल्यू का मतलब गोड़े में 100, यानी कि 33 सही 1/3% हो जाएगा इसमें लाभ। बताओ है ना सवाल आसान, यानी कि इसमें 100/3 भी कह सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो रहा, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 100/3 तीसरा ऑप्शन, ठीक है। एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर सात भी इसी तरह का सवाल है, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा, बताओ फिर जल्दी से फटाफट, सबके कमेंट, सबके जवाब कमेंट सेक्शन में आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन सवाल, जल्दी से आप जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर सात का, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। मैं आपके, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर में, आप सभी साथी जल्दी से आंसर देंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7 का, बहुत बढ़िया, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, हम लोग बेहतरीन स्कोर करेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 320 आमों का क्रय मूल्य 400 आमों को बेचता है, क्रय मूल्य पर 400 आमों पर को बेचता है, ठीक है, ये सवाल है। तो आपको प्रतिशत हानि पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 320 आमों के क्रय मूल्य पर, तो 320 आम, यानी कि 320 आमों का क्रय मूल्य, आप ऐसे बोल सकते हैं 320 आमों का मतलब गुणा क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है,
400 आमों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? पर थोड़ी सी भाषा को चेंज करा है, सवाल सेम है। 300 क्विज का क्रय मूल्य 400 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी 4 इंटू सी पी इज इक्वल टू 5 इंटू एस पी हो जाएगा। तो ये सी पी हो गया, ये एस पी हो गया, यानी सी पी हो गया 5 और एस पी होगा यहाँ पर 4। तो 5 में खरीद का 4 में बेचा, तो आपका लॉस कितने का हुआ? 1 का। तो परसेंट लॉस 1 का लॉस कितने पर? 5 पर। और गुणे कितना? 100। तो आप कहेंगे यहाँ पर 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ। बहुत बढ़िया, बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरह का सवाल भी पिछली बार पूछा गया था, तो इस पर भी विशेष फोकस करना, और ये सवाल इस तरह का परेशान करता है। मैं आपको बेहतरीन आसान सा मेथड बताऊंगा, आप प्रश्न की भाषा पे ज्यादा ना परेशान होकर मेथड जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 144 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब ये मत कर देना जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया है उसी तरह से करने लग जाओ। दोनों ही प्रश्न की भाषा में कुछ चेंज है। 6 और 7 की बात करेंगे तो 6 और 7 में सीधे सीधे बोला गया कि क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के, बात समझ आ रही है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं आपने कितने पेन बेचे हैं, आपने पेन बेचे हैं 144, ठीक है। राम ने 144 पेन बेचे हैं, 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो यहां पर बोला गया भी हानि हो रही है, तो हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं? क्रय मूल्य में से प्यारे साथियों विक्रय मूल्य घटाते हैं। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या होता है? हानि होती है। अब यहां समझना है, हमने 144 पेन बेचे हैं या राम ने 144 पेन बेचे हैं, तो हानि कितने की हो रही है? 6 पेन के विक्रय मूल्य। तो हानि तो समझ में आती है भाई, हानि के नीचे कितना लिख देंगे? 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। तो 6 पेन का विक्रय मूल्य का मतलब 6 एस पी यहां पर लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लॉस कितने का हो रहा है? 6 एस पी, यानी कि 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमने लॉस के नीचे लॉस लिख दिया। अब इधर क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे। जितनी वस्तुएं आप बेचोगे ना, उतनी वस्तुएं यहां पर लगा दो और यहां पर लगा दो। यह हम यूं कह सकते हैं, अगर मैं इसको छिपा लूं तो यहां पर यह एक वस्तु का क्रय मूल्य में से एक वस्तु का विक्रय मूल्य घटाया है, तो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। समझने की कोशिश करेंगे। एक वस्तु क्रय मूल्य, एक यहां पर लिखा हुआ है नहीं, देख सकते हो, लेकिन लिखा हुआ माना भी जाएगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य में से एक वस्तु का विक्रय मूल्य घटाया तो लॉस आ रहा है। लेकिन आपने बेची है 144, तो दोनों पर 144 लगा दो। 144 का क्रय मूल्य में से 144 का विक्रय मूल्य घटा देंगे और लॉस हमें दे रखा है सवाल में 6 के विक्रय मूल्य के बराबर। बात समझ में आ रही है? परेशान ना हो, एक और सवाल है इस तरह का, बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। बस ध्यान रहे जितनी वस्तुएं बेचोगे ना उतना यहां पर लगा देंगे सीपी और एसपी के साथ में, ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है? वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। अब एक काम करेंगे, 144 सीपी आपका ऐसी रहेगा, इसको उधर ले जाओ, तो 6 एसपी आपका उधर लगा हुआ है पहले से ही, उधर ले जाओगे तो 144 एसपी हो जाएगा। यहां पर देखेंगे बहुत आसान सी बात, 144 सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 150 एसपी हो जाएगा, 150 एसपी हो जाएगा, 144 ये 6 ये है। तो यहाँ पर अब चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं, कर लीजिए फटाफट से। 2 7 14, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। और काट ले 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, और 3 2 6, 3 5 15, ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 24 सीपी बराबर 25 एसपी, 25 एसपी। देखो पिछले तरह की सवाल बन गया, यहां पर बस मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। तो सीपी कहलाएगा आपका ये, सॉरी सीपी कहलाएगा आपका कौन सा? सीपी कहलाएगा आपका ये वाला, और एसपी कहलाएगा आपका ये। मैंने कहा सीपी के जो पास होता है, जो सीपी के पास होता है वो एसपी होता है, यानी एसपी 24 हो गया,
और एसपी के पास होता है वो सीपी होता है 25, तो 25 में खरीदा 24 में बेचा, तो आप कह सकते हो एक की हानि हुई, एक की हानि हो रही ना यहाँ पर, एक की हानि कितने पर हो रही है, क्रय मूल्य यानी 25 पर, और गुणे कितना 100, तो 25 चौक कितना होगा 100, 4% की क्या होगी हानि होगी, 4% की क्या होगी इसमें हानि हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से आप सवाल को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। पिछले सवाल में हानि थी, इस सवाल में लाभ दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे साथियों। इस बार लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे, और लाभ कहता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है आपका लाभ। तो लगा दो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है कितना दिया सवाल में, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, 11 के क्रय मूल्य के, और 11 का क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ये लाभ हो गया। कितने बेच रहे हो, कितना मीटर कपड़ा बेच रहा, 33 मीटर, तो मैंने कहा जितना बेचोगे ना वो लगा दोगे यहाँ पर, तो 33 मीटर एसपी माइनस 33 मीटर सीपी, जितना बेचोगे ना उतना यहाँ पर चिपका दोगे, बात खत्म। चाहे लाभ का हो चाहे हानि का हो, लाभ में एसपी माइनस सीपी होगा और हानि में सीपी माइनस एसपी होगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखो सीपी यहाँ पर, सीपी यहाँ, सीपी उधर ले जाओ, 33 एसपी इज इक्वल टू 11 सीपी आपका उधर है, उधर ले जाओगे तो प्लस 33 सीपी और हो जाएगा, 33 एसपी बराबर होगा 44 सीपी के, 33 और 11 44। अब यहाँ पे 11 तिया 33 और 11 चौक 44, तो ऐसे करके लिख लो सीपी और एसपी, तो सीपी के पास है 4 तो ये कहलाएगा एसपी, एसपी के पास है 3 ये कहलाएगा सीपी, बात समझ में आ रही है, उल्टा होता है ना, सीपी ये हो जाएगा और एसपी ये हो जाएगा। तो 3 में खरीदा 4 में बेचा, प्रॉफिट हुआ प्यारे भारतीयों 1 का, तो परसेंट प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट कितने पर होगा, 3 पर, और गुणे कितना 100, तो आप कह सकते हो 100 अपॉन में 3% का प्रॉफिट होगा। बताओ सवाल सबको समझ में आया, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 33 सही 1/3% का क्या होगा, प्रॉफिट। एक बार फिर समझ लो, 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ होता है तो लाभ का फॉर्मूला लगाया, एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है 11 के क्रय मूल्य यानी 11 का सीपी, और यहां पर मैंने कहा 33 मीटर कपड़ा बेच रहा हूं तो 33 यहां लिख दिया, 33 का एसपी माइनस 33 का सीपी, सीपी उधर ले जाओगे तो आपका 33 सीपी प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 सीपी, 33 एसपी आपका रह जाएगा। तो अब यहां समझना है हमें बात अच्छे तरीके से कि भाई 11 चौक 44 और 11 3 33, तो ये सीपी हो जाएगा 3 और एसपी हो जाएगा 4, 3 में खरीदा 4 में बेचा 1 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ 3 पर। तो इसमें थोड़े से ऑप्शन से ही कर लेना है, इसमें थोड़ी सी ऑप्शन की प्रिंटिंग मिस्टेक है, सब में ए 33% है, बी 33% है, सी भी 33% दिखाई दे रहा है, डी 34%, तो इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। जो फाइनल आंसर होगा या तो 100/3% बोल सकते हैं या 33 सही 1/3% बोलेंगे, इसको सही कर लेंगे, ठीक है, इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे साथियों क्या है, बहुत आसान सवाल है ये तो, कि 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए, ठीक, 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए और 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया। बहुत आसान सी बात है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, इससे आसान सवाल मुझे लगता नहीं कि कुछ विशेष हो सकता है। क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, 100 संतरे 100 ऑरेंजेस 100 ऑरेंजेस कितने में खरीदे गए हैं, 100 ऑरेंजेस खरीदे गए हैं 400 रुपए में, बात क्लियर है, तो एक संतरा कितने में खरीदा गया होगा। बहुत आसान सी बात कि भाई 100 से भाग हो जाएगा, यानी कि 4 रुपए में एक संतरा खरीदा गया होगा, ठीक है, 4 रुपए में एक संतरा खरीदा गया होगा। फिर कह रहे हैं 60 रुपए प्रति दर्जन, यानी 12 ऑरेंजेस कितने में बेचे जा रहे हैं, 60 रुपए, 60 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन में 12,
एक दर्जन में 12 संतरे होंगे, तो 12 संतरे कितने में बेचे जा रहे हैं, 60 में, तो एक संतरा कितने में बेचा जाएगा, 60 अपॉन में 12, 12 पंजे 60, यानी कि 5 रुपये में एक संतरा बेचेंगे। 4 रुपये में खरीदा है तो ये सीपी हो गया एक संतरा, 5 रुपये में एक संतरा बेच रहे हो तो एक का प्रॉफिट कमा रहे हो। परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एक का प्रॉफिट कितने पर, 4 पर, और गुणे कितना, 100, तो यहाँ पर 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बहुत आसान सवाल है ये, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे सवालों को हल करने का सबसे आसान बेहतरीन तरीका प्यारे भारतीयों यही होता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 100 संतरों का क्रय मूल्य था 400 रुपये, तो एक संतरे का क्रय मूल्य हो गया 4 रुपया। फिर 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो यानी प्रति दर्जन का मतलब हो गया 12 संतरे बेचे जा रहे हैं 60 रुपये में, एक संतरा 5 रुपये में बेचा जा रहा है, 4 रुपये में एक संतरा खरीदा गया, 5 रुपये में एक संतरा बेचा गया, यानी एक का लाभ हुआ। परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक का लाभ कितने पर, 4 पर, और गुणे 100 अपॉन में 25। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा सवाल में चेंज कर रहे हैं लेकिन इसी फॉर्मेट का सवाल है। क्या 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। बहुत आसान सवाल है ये भी, इसकी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखो, एक तरीका हमारे पास ये है कि भाई 6 की दर से 5 रुपये में 6 केले, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि बहुत आसान सी बात है कि भाई 5 रुपये में 6 केले, यानी 6 बनाना जो हैं 5 रुपये में खरीदे गए हैं। और अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6 रुपये के 5 की दर से, तो 5 बनाना 6 रुपये में बेचे जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे, फिर समझे, 5 रुपये के 6 की दर से, यानी 6 केले 5 रुपये में खरीदे गए और 6 रुपये में 5 केले बेचे गए हैं। 5 केले 6 रुपये में बेचे गए, 6 केले 5 रुपये में खरीदे गए और 5 केले 6 रुपये की दर से बेचे जा रहे हैं। तो अब इसमें परसेंट प्रॉफिट पूछा है, तो प्यारे साथियों, एक तो तरीका ये है कि एक केला निकालो, एक केला कितने में खरीदा गया, एक केला कितने में बेचा गया, फिर वहाँ पर होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि भैया एक केले का क्रय मूल्य निकालोगे तो 5/6 आएगा, एक केले का विक्रय मूल्य निकालो 6/5 आएगा, थोड़ी सी आपको फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, कन्फ्यूजन सा होगा। तो देखो, ऐसे सवालों करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर जो भी वस्तुएँ हैं उनको इक्वल कर लो, तो कैसे इक्वल करोगे, देखो 6 केले 5 रुपये में खरीदे गए, 5 केले 6 रुपये में बेचे गए, यहाँ पर केलों की संख्या बराबर कर लो। तो केलों की संख्या बराबर करने का तरीका क्या होता है, या इन दोनों को इस तरह से अरेंज करना है या मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में ऊपर नीचे, कि यहाँ पर ये केलों की संख्या जो बराबर हो जाए। तो कैसे बराबर करोगे, 5 से आप ऊपर गुणा कर दो, तो 5 से हमने ऊपर गुणा कर दी, तो 5 से आपके इधर भी तो गुणा होगी, ठीक। 6 से नीचे गुणा कर दो, तो 6 से इधर गुणा करेंगे, 6 से गुणा आपकी यहाँ पर भी होगी, यानी 6 पंजे कितना हो गया, 30 बनाना, और 25 रुपये में खरीदा गया, 6 पंजे कितना, 30 बनाना, और 6 छंग कितना, 36 रुपये में बेचा गया। अब सवाल हो गया आसान, कैसे करके, भाई 30 केले आपने 25 रुपये में खरीदे हैं और 30 केले आपने 36 रुपये में बेचे हैं, तो आप कहोगे भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 का, 25 में खरीद कर 36 में बेचा, 11 का प्रॉफिट घटा दोगे ना, तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 11 का प्रॉफिट, क्रय मूल्य कितना है 25 का, तो 25 और गुणे कितना, 100, तो 25 चौका हो जाता है 100, 11 चौक कितना, 44% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बताओ, बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे सवाल को, बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया कि इसमें क्या करना है, जो भी हमारे पास वस्तुएं हैं ना उनको हमें इक्वल कर लेना है, ठीक है। वस्तुएं रखना है लेफ्ट साइड में और मूल्य रखना है राइट हैंड साइड में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दें, यानी विक्रय मूल्य जो भी हमारे पास उसको 2 गुना कर दें, और अगर 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ
तीन गुना हो जाता है, लाभ तीन गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो मेरे प्यारे से महारथियों, कैसे करके सवाल करेंगे, आपने क्या किया, आपके पास देखो क्रय मूल्य पहले था सीपी था और विक्रय मूल्य था एसपी, ठीक है। अगर सीपी क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य एसपी है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट निकालोगे क्या, विक्रय मूल्य माइनस कितना करोगे क्रय मूल्य, ऐसे तो कहते हैं प्रॉफिट। आपने क्रय मूल्य सीपी लिखा है, विक्रय मूल्य एसपी लिखा है, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एसपी माइनस करोगे सीपी, ये प्रॉफिट आया, ये पहले वाला प्रॉफिट है। अब ये कह रहे हैं विक्रय मूल्य हमने दो गुना कर दिया, यानी न्यू विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 2SP हो जाएगा, ये हमने विक्रय मूल्य दो गुना कर दिया। अब विक्रय मूल्य दो गुना करा है, क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी क्रय मूल्य वही रहेगा, सीधी सी बात है। अगर विक्रय मूल्य दो गुना कर दिया तो विक्रय मूल्य दो गुना करेंगे तो लाभ क्या होगा, तो लाभ आपका ये होगा, बात क्लियर। विक्रय मूल्य अगर दो गुना करेंगे तो आपका लाभ कैसा निकलेगा, विक्रय मूल्य दो गुना हो गया ये, और क्रय मूल्य कितना है सीपी घटा के निकालेंगे, तो क्या हो जाता है आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो है वो दो गुना हो जाता है, कौन से वाले का, पहले वाले प्रॉफिट का। बात समझने की कोशिश करेंगे, पहले प्रॉफिट था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, जब हमने विक्रय मूल्य का दो गुना किया तो दो 2SP बन गया विक्रय मूल्य, माइनस क्या हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट, ये नया वाला प्रॉफिट है। तो कह रहा है जो लाभ है एक सेकेंड, वो तीन गुना हो रहा है, सॉरी दो गुना नहीं है तीन गुना है, तो यहाँ पर तीन आएगा ऐसे करके। तो जो लाभ है ना नया वाला, तो नया वाला लाभ ये हो रहा है, तो वो है तीन गुना हो जा रहा है, तीन गुना किसका होगा, पहले वाले लाभ का तीन गुना होगा, तो पहले वाले लाभ का तीन गुना कर दिए बराबर हो गया। अब इसको गुणा करो 3SP माइनस 3CP बराबर किसके होगा 2SP माइनस CP, बात क्लियर है। अब आ जाओ CP और SP एक तरफ कर लो, ये इधर ले आओ, तो 3SP माइनस 2SP बराबर 3CP, उधर ले जाओगे 3CP माइनस ये सीपी इधर रह गया। तो प्यारे साथी यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक एसपी बचेगा, इधर आपके 2CP बचेंगे। अब यहां तुलना कर लो सेम फॉर्मेट, आप देखो एसपी कितना है 2 और सीपी कितना दिखाई दे रहा है यहां पर 1, एक में खरीदा 2 में बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1 का प्रॉफिट कितने पर, 1 पर, और गुणे कितना 100, तो यानी कितना हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 100%, बताओ सवाल सबको समझ में आया। विक्रय मूल्य का दो गुना कर दिया तो 2SP विक्रय मूल्य बन गया, ठीक है 2SP विक्रय मूल्य बन गया। अगर देखो पहले हमारे पास क्रय मूल्य था CP, विक्रय मूल्य था SP, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, SP माइनस CP, इतना कर लिया हमने पहले। फिर विक्रय मूल्य का दो गुना कर दिया, विक्रय मूल्य दो गुना कर दिया यानी 2SP बन जाएगा, लेकिन क्रय मूल्य तो वही रहेगा, तो 2SP माइनस CP ये क्या कहलाएगा, नया वाला लाभ कहलाएगा। कह रहे हैं नया वाला जो लाभ है ना पुराने का तीन गुना हो जाता है, तो पुराना लाभ तो ये हो रहा था घटाने के बाद, उसका तीन गुना कर दिया तो नया वाला लाभ मिल जाएगा। हमने 3 से गुणा की 3SP 3CP 2SP और CP, CP एक तरफ SP एक तरफ, देखो 3SP यहीं रखा, 2SP इधर ले आए तो माइनस का 2SP हो जाएगा, 3CP उधर ले जाएंगे तो आपका 3CP प्लस का हो जाएगा माइनस CP, तो 2CP यहाँ पर एक SP बचेगा, तो CP एक हो गया, SP दो हो गया, एक में खरीदा 2 में बेचा, प्रॉफिट हुआ एक का, परसेंट प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट कितने पर बताओ, एक पर। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नंबर 13 क्या है प्यारे से महारथियों, बहुत आसान सवाल है ये भी। एक दुकानदार समान मूल्य पर दो टीवी सेट बेचता है, एक पर उससे 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर 20% का लॉस होता है, तो पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला जो ऑप्शन है, शॉपकीपर मेक्स नो नेट गेन और प्रॉफिट, पहले ऑप्शन का मतलब ये है दुकानदार को ना लाभ होती है ना हानि होती है। दूसरा ऑप्शन है द शॉपकीपर लॉसेस बाय 2%, यानी 2% की हानि होती है। तीसरा ऑप्शन है 4% का लाभ होता है। चौथा ऑप्शन है 4% की हानि होती है। तो ध्यान रहे इसी तरह के सवाल बहुत आसानी से करेंगे। सवाल का मतलब क्या है कि अगर दुकानदार का विक्रय मूल्य समान है,
दो वस्तु बेचता है, या हम कह सकते हैं दो वस्तुओं को समान कीमत पर बेचता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एसपी कैसा है, समान है या इक्वल है, या एसपी मैं कहूँ कि एसपी कैसा है, एसपी आपका इक्वल है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य इक्वल है, एक पर एक्स परसेंट की प्रॉफिट होती है और दूसरे पर एक्स परसेंट की लॉस होती है। ठीक है, मतलब समान दर से लाभ, समान दर से हानि, 20% प्रॉफिट 20% हानि, 10% लॉस 10% 10% लॉस 10% प्रॉफिट, 5% लॉस 5% प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि पहले प्रॉफिट हो बाद में ही लॉस हो, या पहले लॉस हो बाद में प्रॉफिट हो, कुछ भी हो सकता है, बस एक बार लाभ होगा एक बार हानि, दो कंडीशन में से एक बार लाभ एक बार हानि। समान दर से, समान दर से मतलब हो गया 8% लाभ 8% हानि, 7% लाभ 7% हानि, 7% हानि 7% लाभ, 5% हानि 5% लाभ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप चुपचाप लगा दोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और यहाँ पर हमेशा बच्चों हमेशा यहाँ पर हानि होगी, तो कैसे करके x यहाँ पर है 20% यानी 20 का स्क्वायर और अपॉन में कितना 100, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, अपॉन में कितना 100 यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो 4% का क्या हो जाएगा इसमें लॉस, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 4% क्या हो जाएगा लॉस और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ बात क्लियर, आपका कौन सा वाला ठीक ऑप्शन हो जाएगा, लॉसेस बाई 4% यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी ठीक हो जाएगा। बात क्लियर है, बहुत आसान सी बात, अगर विक्रय मूल्य समान है, समान कीमत पर बेचा जाए और एक पर हानि एक पर लाभ हो, या एक पर पहली वाली पर लाभ दूसरी वाली पर हानि हो, या फिर पहली वाली पर हानि दूसरे वाले पर लाभ हो, लेकिन समान दर से हो 10% 10%, 5% 5%, 8% 8%, तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे और एक्स बच्चों यहाँ पर है 20%, तो 20 का स्क्वायर यानी 100, 20 का स्क्वायर यानी 400, 400 को 100 से भाग करेंगे तो आपका 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एक और बेहतरीन सवाल क्वेश्चन नंबर 14 एक और बेहतरीन सवाल है, इसको फटाफट से देखेंगे फिर हम क्लास को एंड करेंगे, लाभ हानि के जितने भी सवाल हैं सबके सब इम्पॉर्टेंट सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या सवाल है, कह रहा है एक व्यक्ति एक्स 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि पर बेचता है बाई को, ठीक है, व्यक्ति बाई को बेच देता है, तो 100 रुपये की वस्तु है 10% हानि पर बाई को बेच दिया, बाई उस वस्तु को 10% प्रॉफिट पर, बाई उस वस्तु को 10% प्रॉफिट पर जेड को बेच देता है, तो बाई ने किस वस्तु किस मूल्य पर वस्तु को जेड को बेचा, ठीक है, वस्तु को जेड को बेची। तो देखो बहुत आसान सी बात है, एक्स ने बाई को बेचा, बाई ने जेड को बेचा, तो ये कह रहा है बाई ने जेड को कितने बेचा, y ने z को कितने बेचा, सीधी सी बात है। तो प्यारे साथियों देखो 100 रुपये में x ने खरीदा, 100 रुपये में x ने खरीदा है, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि पर बेचा है, तो 10% हानि पर बेचोगे तो आप 10% घट जाएगा मूल्य यानी 100 रह जाएगा। अगर इस तरह से सीरीज में लगा हो तो 10% लॉस का मतलब हो गया 90/100, यहाँ पर फिर से लगा दो 10% प्रॉफिट का मतलब 120/100 इस तरह से लग जाएगा, बस आंसर आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 नियम कितना हो गया 108 और यही हमसे पूछा गया, सॉरी यहाँ पे 10% है तो 110 होगा, तो 11 नियम कितना होगा 99 होगा, 11 नियम कितना होगा 99, बस आंसर हो गया। फिर समझो सवाल को कि भाई एक्स ने 100 रुपये की वस्तु थी बाई को बेचा, या आप ऐसे समझो 100 रुपये की वस्तु थी बाई को बेचा है 10% हानि पर, 10% हानि यानी 90%, या वैसे भी समझ सकते हो कि 90 में बाई को बेचा होगा, तो बाई ने खरीद लिया 90 रुपये में, अब Z को बेच रहा 10% लाभ पर, 10% लाभ का मतलब हो गया 110%, तो 11 नियम कितना हो गया 99, तो 99 में Z ने खरीदा है यानी बाई ने 99 में Z को बेचा होगा। तो प्यारे साथियों इस तरह से हमारे लाभ हानि से संबंधित जो सवाल थे हमने उन सवालों को पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट सेक्शन में अपना व्यू क्लास के प्रति जरूर छोड़ें कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या आपको क्लासेस की सहायता से फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपका जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा।
सभी महारथियों का, सभी शास्त्रियों का, सभी दोस्तों का, सभी चाहने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।